फौज की कमान मुंतकली की तकरीब कल GHQ में होगी। हॉकी ग्राउंड में जनरल राहील शरीफ कमान जनरल कमर बाजवा के सुपुर्द करेंगे। जनरल राशिद महमूद ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की कमान जनरल जुबैर महमूद हयात के हवाले कर दी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। कोर कमांडर्स का जनरल राहील शरीफ को खराज तहसीन। आर्मी चीफ के करियर के आखिरी रोज सदर वजीर आजम से मुलाकातें। ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। इमरान खान ने मेफेयर फ्लैट्स और अल तौफीक केस से मुतालिक शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। शरीफ खानदान के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क जायदाद की नई तफसीलात भी शामिल। वजीर आजम और उनके खानदान की मुबैना करप्शन पर दस्तावेजी फिल्म तैयार कर ली। नून लीग ने 90 की दहाई वाली सियासत नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ लाडलों से बातें करवाते हैं। भारतीय रकासाओं से किसके ताल्लुकात हैं, शादियों का शौक किसे है, खुर्शीद शाह और कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। 24वीं तरमीम की हिमायत ना करने का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं ये शर्म की बात है, वजीर आजम खुद को बचाने के लिए छोटे से कतरी शहजादे का सहारा लें। खत ने शकूक 100% बढ़ा दिए हैं। जिस जमहूरियत में बेनजीर का बेटा पार्लियामेंट में ना हो वो नामुकम्मल है। फैसलाबाद में पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का धरना। एप्टेमा चैंबर और पावर लूम्स मालिकान शरीक। 6 दिसंबर को पंजाब के सनअतकारों का यौम सियाह मनाने का ऐलान। NA 258 कराची में जिमनी इलेक्शन में भी अब्दुल हकीम बलोच की बर्तरी। वोटों की गिनती जारी। PTI और MQM ने बायकॉट किया था। कराची बल्दिया फैक्ट्री में खून की होली किसने खेली? जनरल मैनेजर मंसूर और शाहरुख नामी शख्स ने ताले डालकर आग लगवाई। लोगों को तड़प तड़प कर मरते देखा। मुलजिम जुबैर लाला के होश रुबा इंकशाफात। अब्दुर्रहमान भोला और हम्माद सिद्दीकी के रेड वारंट जारी करने का हुक्म। फैक्ट्री मालिकान की गवाह बनने की दरखास्त मंजूर। कराची में पाकिस्तान चौक के करीब मखदूश फ्लैट्स के मकीन जीना गिरने से महसूर हो गए। मुनासिब अजाला मिलने की यकीन दहानी तक इमारत से निकलने से इनकारी रहे। मुजाकरात में फी खानदान 1.5 लाख रुपए मुआवजा तय पाया तो कई घंटों बाद स्नार्कल के जरिए निकाला गया। मुआवजा इमारत का मालिक अदा करेगा। हाँ, इसहाक बॉबी नहीं कत्ल किया। NA शाहिद ने कराची में सब इंस्पेक्टर अनवर जाफरी समेत 3 अफराद के कातिल की शराख कर ली। DSP ट्रैफिक फैज शिगरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शहीद अफसर सुपुर्दे खाक। वजीर आला सिंध ने जनाजे को कंधा दिया। समिया कत्ल केस में नून लीग के MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ शामिल तफ्तीश। पुलिस ने चंबा हाउस के 60 मुलाजमीन के बयानात कलम बंद कर लिए। मकतूला ने 23 नवंबर की रात 3 अफराद के लिए खाना भी मंगवाया। मिल्लत पार्क की डकैतों के गिर्द घेरा तंग। डकैती मजाहमत पर बाप बेटे समेत 4 शहरियों को कत्ल करने वालों की शराख्त। पुलिस ने चारों डाकुओं की तस्वीर जारी कर दी। पसरूर में भारत से आने वाला जंगली हिरन पकड़ा गया। शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अहलकारों ने वाइल्ड लाइफ के हवाले करने के बजाय गायब ही कर दिया। पंजाब काबीना में शामिल 12 में से 11 वजीरों ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर रफीक रजवाना ने हल्फ लिया। दाता दरबार पर हाजिरी। ख्वाजा इमरान नजीर वजारत संभालते ही एक्शन में। लाहौर में छापा। जाली गैर मियारी अद्वियात का खाम माल कब्जे में ले लिया।
पीआईए ने कराची से अंदरूनी मुल्क लेट नाइट किरायों में 30% कमी कर दी। रात 12 से सुबह 6 बजे तक रियायत होगी, आज रात से इतलाक होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदारत में एनएफसी अवार्ड का इजलास, वसाइल की तकसीम में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट की तैयारी के लिए 10 दिसंबर तक की मोहलत मांग ली। बल्दियाती इंतखाबात के एक साल बाद भी पंजाब के नुमाइंदे बेइख्तियार, खानेवाल भी मसाइल का गढ़ बन गया। 24 न्यूज बेइख्तियार नुमाइंदों की आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए मैं। पंजाब पाकिस्तान में 2 माह तक बारिश का इम्कान नहीं, खुश्क सर्दी के लिए तैयार हो जाएं। सिंध और पंजाब की फसलों को शदीद नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीलियों का करिश्मा, सऊदी अरब के वस्ती इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद लोक विरसा में पूरे मुल्क की सकाफत के रंग, रेशम के रंगीन धागों से तैयार करदा खवातीन के शाहकार दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं।